दोस्तों अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रहा है, आज ही होगा पाकिस्तान पर हमला। जवान बोले पाक को मिटाने के लिए सिर्फ 12 घंटे लगेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की सेमी बुलेट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और कहा कि आतंक के सरपरस्तों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा विनती है, इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में आप खुद का राय बताएं, ताकि आपका ये मैसेज सरकार तक पहुंच सके और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई अपना खुद का फैसला सुना सके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं खबर की तरफ। गुरुवार को पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में CRPF के 44 जवान शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। जैश का सरगना आतंकी मौलाना मसूद अजहर है। इसके बाद अभी अभी CRPF के जवानों ने कहा है कि इस हमले का जवाब हम बहुत जल्दी देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम ये हमला नहीं भूलेंगे ना माफ करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान पर भारत का धावा बोल सकता है। सेना के जवानों का कहना है कि पाकिस्तान को मिटाने के लिए एक दिन का समय बहुत है, हमें छूट मिल चुकी है, अब हम रुकने वाले नहीं है, बहुत जल्दी बदला लिया जाएगा। पीएम मोदी ने पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ है। पीएम ने कहा कि देश की सैनिकों के शौर्य पर उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में आंकड़ों से और लोगों का खून खोल रहा है। पीएम ने कहा कि आतंकी सरपरस्त बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस हमले अंजाम देने वालों को सजा जरूर मिलेगी। पीएम ने कहा कि इस वक्त देश में कुछ कर गुजरने की भावना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे गई है। पीएम ने कहा कि वे आतंकी संगठनों और उनके सरपरस्तों को यह बताना चाहते हैं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, इसके बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। दोस्तों आप इस वीडियो को नीचे लाइक कीजिए तथा नीचे के लाल बटन पर दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी जरूर दबाइए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे जी न्यूज़ के नए रिपोर्ट।